Hello students, welcome to our YouTube channel Fisheries Science Education. So today we will be starting our new subject which is Marine Biology, and this is part 1 of this subject. And today we will be studying about marine environment and their divisions. So before starting our video, if you are new to this video, do subscribe to our channel. And you can also follow us on our Instagram page, where we are posting lots of informative posts, updates, and you can also join our Telegram channel, where we are providing our notes in PDF format. So now let's start our video. So the ocean currently covers 71% of the Earth's surface. Approximately, it covers 71% of the Earth's surface. So in map we can see that most of the ocean covers the southern hemisphere and most of the land is in the northern hemisphere. So in northern hemisphere, 2/3 of land area is there, and ocean covers 61% and land cover 39%, whereas in southern hemisphere ocean covers 80% and land covers only 20%. So from this we can conclude that the most of the oceans is usually found in the southern hemisphere. Okay, so since it is a single large and complex system, it is very difficult to deal with it as a whole. So it is a single and a large and more and also a complex system, so it becomes very difficult for us to deal with whole this at one. तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज एरिया में कवर है, तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम उसकी स्टडी कैसे करें और उससे कैसे डील करें. तो इसीलिए जो ओशनोग्राफर्स है उसने ओशन को डिफरेंट जोन में डिवाइड किया है. ओके, सो ओशनोग्राफर्स डिवाइडेड द ओशंस इनटू डिफरेंट जोन्स अकॉर्डिंग टू द डेप्थ, लाइट एंड टेम्परेचर. सो अकॉर्डिंग टू डेप्थ, लाइट एंड टेम्परेचर ओशनोग्राफर्स ने ओशंस को डिवाइड किया है. सो टू मेजर जोन ऑफ ओशन आर बेंथिक रिलेम एंड पेलाजिक रिलेम. सो ये दोनों ओशन के जोन है. तो बेंथिक रिलेम क्या है? द सी फ्लोर और द बॉटम रीजन. तो जो बॉटम रीजन है हमारा ओशन का, उसे हम बेंथिक रिलेम बोलेंगे. और जो पेलाजिक रिलेम है वो वाटर रीजन अबाउट द सी फ्लोर. तो सब सी फ्लोर के ऊपर जो वाटर रीजन है वो हमारा पेलाजिक रिलेम है. जैसे कि हम डायग्राम में देखते हैं, जो नीचे का जो सी फ्लोर हमें हम देख सकते हैं वो बेंथिक पार्ट है, और जो ऊपर का जो ये वाटर है वो हमारा पेलाजिक पार्ट है. सो पेलाजिक रिलेम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट पेलाजिक रिलेम. तो ओशन पेलाजिक रिलेम इज डिवाइडेड हॉरिजॉन्टली इनटू टू जोन. तो जो पेलाजिक रिलेम है वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड हुआ है टू जोन में. तो फर्स्ट इज नेरेटिक जोन एंड सेकेंड इज ओशनिक जोन. ओके, तो जो ये पेलाजिक पार्ट है वो टू जोन में डिवाइड हुआ है, नेरेटिक एंड ओशनिक जोन. जैसे हम डायग्राम में देखते हैं, ये जो नेरेटिक जोन है और ओशनिक जोन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट नेरेटिक जोन, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोस्टल जोन. तो जो नेरेटिक जोन है उसे हम कोस्टल जोन भी बोलेंगे. ओके, इट इज़ द रीजन विच लाइज अबव द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. तो ये रीजन है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर है. जैसे हम डायग्राम में देखते हैं, हम डायग्राम में कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखते हैं, तो उसके ऊपर का जो रीजन है वो नेरेटिक जोन है. ओके, डायग्राम में क्लियरली लेबल किया हुआ है नेरेटिक जोन. एंड दिस इज़ अ शेलो पार्ट ऑफ द ओशन एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू लैंड मास. तो ये जो नेरेटिक जोन है वो शेलो पार्ट ऑफ द ओशन है और लैंड मास से बहुत ही क्लोज है. एंड सेकेंड इज ओशनिक जोन. सो इट इज़ द पेलाजिक जोन विच लाइज अबव द सी फ्लोर बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ. तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से जैसे डेप्थ में जाएगा, तो उसके ऊपर का जो जोन है उसे हम ओशनिक जोन बोलेंगे.
तो विच लाइज अबोव द सी फ्लोर, तो जो सी फ्लोर के ऊपर का जो जोन होगा वो ओशनिक जोन होगा, एंड दैट इज द वाटर मास दैट लाइज बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ 200 मीटर टू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। तो 200 मीटर से लेकर जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन है उसके ऊपर का जो वाटर मास होगा उसे हम ओशनिक जोन बोलेंगे। ओके क्लियर। So now the pelagic realm is further subdivided vertically according to the five zone. तो पहले हमने जो देखा वो horizontally हुआ था। So horizontally this pelagic realm is divided into two. First is neritic and second is oceanic. Okay. And now pelagic realm is divided vertically from into five zone. तो फाइव जोन क्या कौन कौन से है? फर्स्ट इज एपिपेलाजिक, सेकंड इज मेसोपेलाजिक, थर्ड इज बेथाइल पेलाजिक, फोर्थ इज एबिसोपेलाजिक एंड फिफ्थ इज हेडल जोन। ओके सो वी विल स्टडी अबाउट ऑल दिस जोन इन डिटेल नाउ। सो फर्स्ट इज एपिपेलाजिक जोन, इट इज 0 to 100 मीटर डीप फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द ओशियंस। ओके और ये फोटिक जोन होगा, इसे हम यूफोर्टिक जोन या फिर फोर्टिक जोन भी बोल सकते हैं, एंड इट इज 0 to 200 मीटर डेप्थ। ओके ओनली 0 to 200 मीटर डीप ओशन इज एपिपेलाजिक जोन। ओके एंड इट इज ऑल्सो वेरी नियर फ्रॉम द लैंड मास एंड इट इज द टॉप लेयर ऑफ ओशन जोन एंड इट इज ऑल्सो द टॉपेस्ट लेयर ऑफ द ओशन जोन एंड 90% ऑफ ओशन लाइफ अकर्स हियर ड्यू टू वार्म टेम्परेचर एंड सनलाइट। सो 90% ऑफ ओशन लाइफ होगी वो यूजुअली इस जोन में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इस जोन पर जो सनलाइट फॉल्स होती है, पेनिट्रेट होती है, वो इस जोन में बहुत अच्छे से होती है, इसलिए 90% ऑफ ओशन लाइफ विल अकर हियर। ओके ओनली जोन सपोर्टिंग प्लांट लाइफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज ओनली जोन विच सपोर्ट्स द प्लांट लाइफ। वाई? बिकॉज इट गेट्स मोस्ट ऑफ द लाइट विच इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके सो इस जोन में ये एक एपिपेलाजिक जोन है जहाँ पर हमें प्लांट लाइफ देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें जो प्लांट्स को जो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए होती है वो इसी जोन में प्रेजेंट है। एज दिस रीजन इज डाइवर्स इन प्लांट लाइफ, देयर इज वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग जू प्लैंकटन्स, क्रस्टेशियंस, मॉलस्क, शार्क्स, स्ट्रिंग रेज, मैक्रल, ट्यूना, सील, सी लायंस, सी टर्टल्स एक्सेट्रा। सो एज दिस जोन सपोर्ट्स प्लांट लाइफ, क्योंकि इस जोन में प्लांट लाइफ है, इसी की वजह से मोस्ट ऑफ एनिमल्स सच एज जू प्लैंकटन, क्रस्टेशियंस एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन दिस जोन। ओके सो अवर नेक्स्ट जोन इज मेसोपेलाजिक जोन। सो मेसोपेलाजिक जोन इज यूजुअली फ्रॉम 200 to 1000 मीटर डीप। ओके एपिपेलाजिक जोन वॉज 0 to 200 मीटर डीप is and mesopelagic zone is from 200 to 1000 meter deep and it is also called dysphotic zone. Okay and epipelagic zone was called as euphotic or photic zone, but mesopelagic zone is dysphotic zone. Okay it is because only blue light is seen here and it is also referred as twilight zone. Okay it is why it is called dysphotic zone or twilight zone, because only blue light is seen in this zone, but in epipelagic zone most of the sunlight was there, so it was photic zone, and mesopelagic dysphotic and twilight zone. Okay only some sunlight penetrates, not enough for photosynthesis. So in this zone only some of the sunlight traps into the water and which is not enough for photosynthesis. तो इस जोन में बस कुछ ही अमाउंट ऑफ सनलाइट होगी वो पेनिट्रेट होगी, और बट जो पेनिट्रेट हुई है वो इनफ नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसीलिए इस जोन में हमें मोस्टली प्लांट लाइफ नहीं देखने को मिलेगी। ओके प्लांट लाइफ विल बी ओनली देयर इन एपिपेलाजिक जोन। सो दिस जोन हैज सम एनिमल्स इंक्लूडिंग ऑक्टोपस, स्क्विड्स एंड हैच्ड फिश। सो इस जोन में हमें कई एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऑक्टोपस, स्क्विड, हैच फिश एक्सेट्रा, एंड एनिमल
इन दिस जोन मस्ट सर्वाइव कोल्ड टेम्परेचर, इंक्रीज वाटर प्रेशर एंड डार्क वाटर. सो इन दिस जोन मोस्टली सनलाइट इज नॉट प्रेजेंट, सो टेम्परेचर विल बी हाई, ओके, एंड वाटर प्रेशर विल बी ऑल्सो हाई, एंड डार्कनेस विल बी देयर. सो इन दिस जोन एनिमल्स हैज टू सर्वाइव ऑल दिस पैरामीटर्स, ओके. तो इस जोन में टेम्परेचर बहुत कम होगा और जो वाटर प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए इसमें जो एनिमल प्रेजेंट है उनको ये सारे फैक्टर्स पर सर्वाइव करना पड़ेगा. एंड सम फिशेज हैव एक्स्ट्रा बिग आई टू हेल्प देम सी एंड प्रोड्यूस ओन लाइट कॉल्ड बायोल्यूमिनेंसिस, यूज स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड फोटोफोर्स. सो इन दिस मैनी फिशेज इन दिस रीजन हैव वेरी बिग आई सो दैट दे कैन सी प्रॉपरली, एंड ऑल्सो दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट विच इज ऑल्सो कॉल्ड बायोल्यूमिनेंस, एंड इट यूज स्पेशल ऑर्गन्स टू प्रोड्यूस लाइट विच इज फोटोफोर्स, ओके. तो इस रीजन में जो फिश होगी उसकी कुछ एक्स्ट्रा ही बिग आईज होगी, और जो फिशेज होंगे वो कोई फिशेज होगी वो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करेगी, उसे हम बायोल्यूमिनेंस वो बोलेंगे, और जिस वजह से ये लाइट प्रोड्यूस करती है उसे हम फोटोफोर्स बोलेंगे, जो स्पेशल ऑर्गन यूज करती है उसे हम फोटोफोर्स बोलेंगे. सो सम हैव शार्प फैंग्स और बिग माउथ्स टू हेल्प देम कैच देयर फूड. तो कोई कोई फिशेज में उसके शार्प फैंग्स होंगे, और फैंग्स मीन्स जो टंग टाइप एक स्ट्रक्चर होगा उसे फैंग बोलेंगे, और बिग माउथ टू हेल्प देम कैच देयर फूड, ओके. तो उन्हें जो फूड चाहिए उसे कैच करने के लिए उसमें बिग फैंग्स एंड बिग माउथ्स होंगे. सो नेक्स्ट इज बेथर पेलाजिक जोन. सो इट फॉल्स बिलो 1,000 to 4,000 meter डीप, ओके. नाउ इट इज बेथर पेलाजिक, इट इज 1,000 to 4,000 meter डीप, बट मेसोपेलाजिक में क्या था 200 to 1,000 meter डेप्थ, एंड इन बेथर पेलाजिक 1,000 to 4,000 meter, एंड दिस इज कॉल्ड एफोटिक जोन. And it is also called aphotic zone because in this layer, in this zone, most of the light is not there and it is totally dark. So it is aphotic zone, and lying between the boundaries of water with 10 to 4 degree isothermal layer. Okay. And zone is freezing and completely dark. So this is freezing zone because temperature is very low and it is it has no light. So it is completely dark. And very intense water pressure which can be as great as 2 tons per square inch. So इस zone में जो water का pressure होगा वो बहुत ही ज़्यादा high होगा, nearly equal to 2 tons per square inch. And some organism in this zone are vampire squid, giant squid, amphipods, slim stars, snake dragonfish, anglerfish, oarfish, glauber eel. तो ये सारा ऑर्गेनिज्म है जो इस जोन में प्रेजेंट है. नाउ नेक्स्ट इज एबैसोपेलाजिक जोन. सो दिस लाइज बिलो 2000 टू 6000 मीटर डीप एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एफोटिक जोन. सो ये जोन भी 2000 टू 6000 मीटर डेप्थ है और इसे भी हम एफोटिक जोन बोलेंगे क्योंकि इस जोन में भी लाइट पेनिट्रेट नहीं होगी. Now last is Hadal zone. So has a depth of 6,000 to 10,000 meter. तो इसका जो depth होगा वो 6,000 to 10,000 meter होगा. And it is aphotic zone. In this zone also no light. So deepest part of the ocean. It is so this Hadal zone is deepest part. Okay. तो ये Hadal zone को हम deepest part of the ocean भी बोल सकते हैं. And it is totally dark and constantly cold with very intense pressure. So in this zone there is total darkness. It is very cold and very intense pressure. So much of pressure is there in this zone. The deep sea creatures have adapted to darkness by reducing their use of eyesight. So in this zone the creature which is already present, they are adapted to the darkness by reducing their सेट. तो इनकी जो आईज होगी वो एकदम रिड्यूस हो गई होगी या फिर प्रेजेंट ही नहीं, वो डार्क डेप्थ. द फिश हैव आई दो
They are usually enormous, which indicates enough flash of bioluminescent light to keep their eyes from totally deteriorating. तो इस जोन में जो फिश प्रेजेंट होगी उसकी मोस्टली आई होगी, उसकी आई होगी, बट वो क्या करेगी कि वो अपनी ओन लाइट प्रोड्यूस करेगी ताकि जो उनकी आई है वो टोटली डिटोरिएट ना हो जाए, टोटली मीन्स टोटली एक्सटिंक्ट ना हो जाए, उसकी आई प्रेजेंट होगी, इसीलिए वो अपनी खुद लाइट प्रोड्यूस करेगी क्योंकि उस जोन में जो लाइट है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती. द एनिमल्स दैट लिव नियर द बॉटम हैव रेडिश और पिंकिश कलरेशन पॉसिबली बिकॉज द रेड लाइट वेव आर एब्जॉर्ब इन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द ओशन. तो इस जोन में जो फिशेस प्रेजेंट होगी वो मोस्टली रेडिश या फिर पिंकिश कलर में होगी क्योंकि जो रेड लाइट है वो एब्जॉर्ब होती है टॉपेस्ट लेयर में, इसीलिए जो एनिमल है वो रेड या पिंक कलर में होंगे. सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी ऑल द जोन टुगेदर. फर्स्ट इज एपिपेलाजिक जोन, एंड एपिपेलाजिक जोन इज अ जोन वेयर लाइट पेनिट्रेट्स. एंड सेकेंड इज मेसोपेलाजिक जोन वेयर ओनली लिटिल लाइट पेनिट्रेट एंड इट इज ऑल्सो called twilight zone. And third layer is basal pelagic where no light penetration is there, and then mesopelagic and hadal zone. So you can see the divisions of this zone vertically and horizontally to zone, neritic zone and oceanic zone. Okay, so this was it for our today's video. Thank you so much. Happy learning.